ओके, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन वो ग्राफ कैसा होगा, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्राफ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन टू वेरिएबल्स इज ए स्ट्रेट लाइन। जब भी किसी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा होगा, या अगर स्ट्रेट लाइन होगा, इसे याद रखना है। ओके, जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन आपको दिया रहेगा, जैसे 3x + 2y = 5, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह से स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, चलेगा। ड्रॉ ड्रॉ ग्राफ ऑफ x + y = 5, कहते हैं x + y = 5 का ग्राफ ड्रॉ करिए। चूँकि आप देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो कहते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, कितना, मिनिमम टू या टू से ज़्यादा भी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगर टू सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली जो टू सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एक्चुअली वो दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो टू प्लॉट करेंगे, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन आया 1.2, सपोज कर लेते हैं। जैसे एक आया मान लो 1.4, दूसरा आया 2.3। या अब ये दो पॉइंट है, ये क्या है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पॉइंट का जब प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा ये, मान लो एक पॉइंट ये आ गया, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो अब इसका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ ज़्यादा सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन मान लो 5 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो आप जानते हैं इसका कितना सोल्यूशन होता है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है इसका, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। उसमें से हम कुछ सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो इक्वेशन दिया हुआ है या तो एक्स को वाई में एक्सप्रेस कर लो या वाई को एक्स में एक्सप्रेस कर लो। ओके, आते हैं। तो सिंस क्या दिया हुआ है, x + y = 5, दिस इम्प्लाई दैट y = क्या हो जाएगा, 5 - x। एक्स को राइट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, अब एक्स का वैल्यू और वाई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, अब एक्स अगर हम जीरो लेंगे, देखो बच्चे, अगर एक्स हम जीरो लेंगे तो वाई कितना हो जाएगा। देखो एक्स की जगह जीरो पुट करो यहाँ पे, तो 5 - 0 = 5 - 0 = 5, तो वाई वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ओके, फिर आइए अब एक्स की जगह पर हम लोग कुछ ले लो, 1 ले लो, एक्स 1 लेंगे देखते हैं वाई वैल्यू क्या आएगा। तो एक्स की जगह पर 1 पुट कर दो, 5 - 1 = 4, तो वाई वैल्यू 4 हो गया। एक्स वैल्यू 2 ले लो, 2 लेते हैं, एक्स जब 2 लेंगे तो वाई कितना होगा, देखो तो जहाँ एक्स वहाँ 2 पुट करो,
टू पुट करो यहाँ पे, 5 - 2 = 3, तो वाई वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर एक्स वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, पुट कर दे जाओ, 3 देंगे तो यहाँ पे 5 - 3 कितना हो गया, 2, तो 2 आ गया वाई वैल्यू, वाई वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। फिर आइए अब एक्स यहाँ पर क्या पुट करें, आपकी जो मर्जी पुट करो एक्स का वैल्यू, तो एक्स वैल्यू हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 4 लेंगे तो एक्स जब 4 पुट करो तो 5 - 4 कितना आ गया 1, तो वाई वैल्यू 1 आ गया। फिर आइए अगर एक्स वैल्यू हम 5 लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो जहाँ एक्स वहाँ 5 पुट करो, यहाँ 5 देंगे तो 5 - 5 = 0, तो वाई वैल्यू 0 आ गया, एक्स 5 होगा तो वाई कितना होगा, 0। इस तरह से आपने कितना सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। आप जितना मर्जी बहुत सारे सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो, तो मैंने इसमें से 6 सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 6 सोल्यूशन मतलब ये 6 पॉइंट हो गया है ना, तो क्या क्या पॉइंट्स हो गया देखो, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो गया, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया कौन सा, 0, x0 तो y5 है, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा। अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो कैसे प्लॉट करते हैं, वही आप पॉइंट को प्लॉट करेंगे। सेकंड पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 4, x1 है तो y4 है, फिर नेक्स्ट क्या है, x2 है तो y3 है, नेक्स्ट पॉइंट है 3, 2, नेक्स्ट पॉइंट है 4, 1, और लास्ट में क्या है, x5 तो y0। इसी पॉइंट को क्या करना, अब प्लॉट करेंगे कार्टेशियन प्लेन पे। ओके, आते हैं इसलिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम, डब का हो गया, एक्स एक्सिस हो गया ये, और ये हो गया वाई एक्सिस, एक मिनट, और ये आपका क्या है ओरिजिन। अब पॉइंट प्लॉट कर दो नंबर लाइन पे, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, इधर भी -1, -2, -3, फिर ऊपर भी ले लो वाई एक्सिस पे, 1, 2, 3, 4, 5, नीचे भी ले लो -1, -2, -3, -4। ओके, अब देखो निगेटिव यहाँ पे है नहीं, इसलिए निगेटिव वाला ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, इसमें है कोई निगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। अब प्लॉट करो, पहला पॉइंट क्या है देखो, तो 0, 5, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट 5 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे देखो 5 कहाँ पे है, तो 5 कहाँ पे, यहाँ पे है, यही पॉइंट हो गया किसका, x0, y5 का। ओके, नेक्स्ट x1 है, y4 है, नेक्स्ट पॉइंट x1 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तब 4 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 से भी एक लाइन ड्रॉ करो, यानी कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे 1 से और 4 से हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ पे दोनों मीट किया यही पॉइंट हो गया किसका, ये पॉइंट हो गया आपको 1, 4, x1, y4 का। हो गए, एक मिनट, ये पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 2, 3, x2 है y3, x2 है यहाँ पे और ये 3 है, तब 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, 2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, जहाँ दोनों मीट किया ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया आपको 2, 3 का। ओके, 2, 3 का पॉइंट हो गया, क्या लिखेंगे 2, 3, नेक्स्ट पॉइंट 3, 4 है, x3 है और y2 है, तो 2 से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो
और थ्री से वर्टिकल लाइन ड्रा करो, जहाँ दोनों मीट किया यही पॉइंट क्या हो गया, थ्री कोमा टू का। ओके नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्स फोर है वाई वन है, एक्स फोर यहाँ पे वाई वन यहाँ पे, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो वन से और फोर से वर्टिकल लाइन, जहाँ दोनों मीट किया वही पॉइंट क्या हो गया, वन कोमा फोर हो गया। ओके क्या आ गया, वन कोमा फोर। और नेक्स्ट क्या है, एक्स फाइव वाई जीरो है, वाई जीरो मतलब एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे देखो फाइव कहाँ पे, तो फाइव यहाँ पे, ये फाइव है, ये एक्स फाइव है वाई जीरो है। ओके इस सारे पॉइंट को हमने प्लॉट किया, जितना भी सोल्यूशन फाइंड आउट किया ना, यानी इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जितना भी सोल्यूशन फाइंड आउट किया, उस सारे सोल्यूशन को हमने क्या किया, एज ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट की तरह हमने क्या किया, प्लॉट कर दिया। अभी स्केल लो और इस पॉइंट को ज्वाइन करो, इस सारे पॉइंट को ज्वाइन करो, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे आएगा। ओके तो स्टार्ट करते हम लोग। यही जो स्ट्रेट लाइन बना, यही स्ट्रेट लाइन किसका है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव का स्ट्रेट लाइन है, इसी लीनियर इक्वेशन का एक ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। ओके तो जब भी आपको कहेगा ग्राफ ड्रॉ करो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इस तरह ड्रॉ करना है आपको, सोल्यूशन फाइंड आउट करनी है। ओके तो कम से कम दो सोल्यूशन फाइंड आउट करनी, एटलीस्ट टू, टू सोल्यूशन आएगा तो दोनों सोल्यूशन को हम प्लॉट करेंगे। मान लो एक प्लॉट किया, ये दूसरा ए प्लॉट किया, स्केल से ज्वाइन करेंगे तो यही लाइन बनेगा, ड्रा हो गया स्ट्रेट लाइन, ड्रा हो गया, यानी कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रा हो जाएगा। कम से कम दो सोल्यूशन फाइंड आउट करना आपको। ओके अधिक से अधिक जितना कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कोई देखो, अब देखो बच्चे, जितना भी हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया इस लीनियर इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन है आपका ये, जितना भी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, इस सारे सॉल्यूशन इसके ग्राफ पे लाई कर रहा है, इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के स्ट्रेट लाइन है, तो इसी स्ट्रेट लाइन पे इस सारे सॉल्यूशन लाई कर रहा है। देखो ये सारे सॉल्यूशन क्या है, इसी लाइन पे लाई कर रहा है ना, यानी लीनियर इक्वेशन का जितना भी सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होता है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन होता है, और सारे सोल्यूशन एज ए पॉइंट है, उसके ग्राफ का एक पॉइंट है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरी सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट पॉइंट ऑफ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन ग्राफ है स्टेट लाइन के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सारे सोल्यूशन सारे पॉइंट इसी लाइन पर लाई करेगा। इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट कुछ नोट है, नोट डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या है, फर्स्ट नोट देखो क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ पे, एवरी पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन गिव्स ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, कहता है जितना भी पॉइंट होगा इस लाइन पे, जितना भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट होगा, एवरी पॉइंट इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके ये कह रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, एनी पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, ये कह रहा है। अगर कोई ऐसा पॉइंट जो इस स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया यानी ग्राफ लीनियर इक्वेशन का, अगर कोई पॉइंट है जो इस पर लाई नहीं कर रहा है, जैसे तो सपोज करो कोई पॉइंट है यहाँ पे, क्या ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, इसका मतलब हो गया इस पॉइंट के क्रॉस में जो आपका कोऑर्डिनेट आएगा, मान लो इसका कोऑर्डिनेट सपोज करो 5.3 आ गया, तो इसका 5.3 इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा, जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो गया ना उसका सोल्यूशन नहीं है। यानी कह रहा कि जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाइन नहीं कर रहा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा एक्स वाई का, वो उस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा।
सॉल्यूशन वही होगा जो पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा। वही लिखा हुआ एनी पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, वो सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन कौन होगा जो उस स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा। थर्ड पॉइंट क्या देखो देर आर इन्फिनाइटली मेनी लाइन्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, कहते हैं गिवन पॉइंट होके कितना लाइन्स पास करता है इन्फिनाइटली मैनी लाइन्स पास करता है। जैसे गिवन जैसे कोई पॉइंट है सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट से तो कितना स्ट्रेट लाइन पास करेगा आप काउंट नहीं कर सकते कितना पास करेगा। ये पॉइंट है आपका ठीक है। इस तरह से बहुत सारे लाइन पास करेगा इन्फिनाइटली लाइन, किसी भी गिवन पॉइंट हो गया कितना लाइंस पास करेगा इन्फिनाइटली मैनी लाइंस पास करेगा। ओके इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ये सभी लाइन पर है। तो ये क्या बताया जिस लाइन पर और कोई पॉइंट है किसी लाइन पर लाई कर रहा है तो वह पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का क्या 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 होगा सोल्यूशन होगा। तो ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है इस पर भी लाई कर रहा है सभी लाइन पर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि जितना भी लीनियर इक्वेशन होगा इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग सभी लीनियर इक्वेशन को ए पॉइंट सेटिस्फाई करेगा है ना, यानी ए पॉइंट जो होगा सभी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके तो यही कह रहा है यहाँ पे देखो देर आर यानी इसी इन अदर वर्ड्स लिख बोल सकते हैं देर आर इन्फिनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशंस विच आर सेटिस्फाइड बाई ए गिवन पॉइंट है ना, चूंकि जितना लाइन होगा उतना लीनियर इक्वेशन भी होगा और चूंकि इन्फिनाइटली लाइन पास करता है तो इन्फिनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशन भी होगा और सभी लीनियर इक्वेशन को ए पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। ओके तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके okay?